प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस के तीसरे रविवार को हमारे पाठ हमें ईश्वर की प्रावधान बुद्धि और क्रूस की महिमा के विषय में प्रवेश कराते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 37 से 45 में हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ मिस्र में उच्च पद पर पहुंचता है, जो ईश्वर की देखभाल का प्रमाण है। अपने पहले के कष्टों के बावजूद यूसुफ को ऊंचा उठाया जाता है और उसे महान अधिकार सौंपा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में भी ईश्वर हमारी जिंदगी को अपने महान उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित कर रहे होते हैं। सिराक अध्याय 47 पद संख्या 2 से 3 और 8 से 11 में राजा दाऊद के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उनके साहस और ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाया गया है। दाऊद का ईश्वर के प्रति प्रेम उन्हें विजय और आशीर्वाद दिलाता है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धि और शक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन में आती है। इब्रानियों के ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 हमें मसीह के बारे में बताता है, जो ईश्वर की महिमा और बुद्धि का अंतिम प्रकटीकरण है। यीशु ईश्वर के स्वरूप की सच्ची प्रतिछाया है, जो अपनी सामर्थ्यशाली वाणी से सब कुछ धारण करते हैं। यह हमें मसीह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता है, जो सभी वादों की पूर्ति और दिव्य ज्ञान का सजीव उदाहरण है। अंत में योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 27 से 36 में यीशु अपने आसन्न क्रूस पर चर्चा करते हैं। इससे अपनी महिमा का समय बताते हुए प्रकाश में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, यह बताते हुए कि क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं बल्कि विजय और शाश्वत जीवन का भी है। इन सभी पाठों के माध्यम से हमें ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा रखने, उनकी बुद्धि की खोज करने और क्रूस को सच्ची महिमा के मार्ग के रूप में अपनाने का आह्वान किया जाता है। जैसा हम मसीह के साथ यात्रा करते हैं, हम उनके अंधकार पर विजय में शक्ति और आशा पाएं, यह जानते हुए कि क्रूस हमें शाश्वत जीवन के प्रकाश की ओर ले जाता है। आमीन।